नमस्कार, आप देख रहे हो लाइव टीवी समाचार और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। वक्त हो चला है आज की मुख्य खबरों का। बहराइच यातायात पुलिस चेकिंग के दौरान एक गाड़ी पकड़ी गई जिसमें फर्जी तरीके से वाहन में लाल नीली बत्ती लगी हुई गाड़ी पकड़ी। पुलिस अधीक्षक महोदया, बहराइच द्वारा जनपद में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ रखने के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में आज दिनांक 3 अप्रैल 2024 को यातायात पुलिस टीम बहराइच द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान बंजारी मोड़ से एक वाहन टाटा सफारी सिल्वर रंग पंजीकरण संख्या UP32FF5987 को रोका गया। वाहन पर लाल नीली बत्ती, हूटर, काली फिल्म तथा वाहन पर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा स्टीकर लगा हुआ था जिस पर भारत सरकार का लोगो अशोक स्तंभ बना हुआ है। संचालन किया जा रहा था। वाहन चालक से वाहन के कागजात मांगे गए। उक्त चालक द्वारा वाहन के प्रपत्र न दिखाकर पुलिस पर दबाव बनाने लगे और उसी उद्देश्य से रौब दिखाने लगा तथा वाहन पर लाल नीली बत्ती, हूटर, भारत सरकार का स्टीकर लगाने के प्राधिकार के बारे में पूछा गया तो कोई प्रपत्र नहीं दिखा। बिना प्रपत्र व काली फिल्म लगाने तथा बिना प्राधिकार के निजी वाहन पर लाल नीली बत्ती, हूटर, भारत सरकार का स्टीकर लगाने के कारण थाना कोतवाली देहात में 168/2024 धारा 419, 420, 506, 188 भादवी में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा वाहन को मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए निरुद्ध कर थाना कोतवाली देहात परिसर पर खड़ा कराया गया तथा वाहन चालक के विरुद्ध धारा 151 CRPC की कार्यवाही की गई। इसके अतिरिक्त जन जागरूकता के क्रम में आमजन को वाहन पर अवैध तरीके से लाल नीली बत्ती, हूटर, सायरन, प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म तथा वाहन पर अवैध तरीके से जाति सूचक शब्दों, पदनाम आदि के प्रयोग न करने हेतु जागरूक किया गया। बहराइच से शीतल प्रसाद तिवारी की रिपोर्ट। मुलाकात चल रहे हैं तो जो लगा के चल रहे थे लाल नीली बत्ती, हूटर। आज की मुख्य खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लाइव टीवी समाचार के लिए। नमस्कार।